हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ बूस्टर बैच के, सबसे पहले ये चीज़ बता दें कि आप लोग क्वेश्चन कैसे पाएंगे। तो क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। न्यू बुक्स हैं कुमार मित्तल के, ठीक है। 25 नंबर तक न्यूमेरिकल हुए थे प्रत्यावर्ती धारा के, 25 नंबर तक, 26 से देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। एक चोक कुंडली का प्रेरकत्व 0.2 हेनरी, प्रतिरोध 0.50, पचास हर्ट्स आवृत्ति की 2 एम्पियर धारा, प्रवाहित की जाती है, इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा। क्वेश्चन है इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा। तो विभवांतर कितना होगा सिरों पर। एक्चुअली सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि परिपथ में प्रेरकत्व है, सिर्फ प्रेरकत्व है, और प्रेरकत्व का ही प्रतिरोध है। प्रेरकत्व का ही क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रेरकत्व के प्रतिरोध को अगर हम बगल दिखा दें हल्का सा, ये प्रेरकत्व का क्या प्रतिरोध हो गया, ये प्रेरकत्व का ही प्रतिरोध मैंने दिखाया है, समझ लो आर से दिखा रहा हूं, ठीक है, जैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिखाते हैं। तो विभवांतर प्रेरकत्व के सिरों के बीच पूछ रहा है, तो बहुत आसान है, वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड। जेड क्यों रखा, प्रतिबाधा क्यों रखी, चूंकि यल के साथ आर भी आ गया, भले ही इसका है तो आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमको जेड नहीं पता है, ठीक है। तो जेड कैसे पता करेंगे, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस व्हाट इज बेटा आर स्क्वायर। तो एक्सएल अब हमको पता करना है, आइए एक्सएल पता करते हैं। एक्सएल का मतलब ओमेगा एल का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट ओमेगा 2 पाई। अब पाई की वैल्यू सबको पता है, 22/7। एफ की वैल्यू दी हुई है 50/s। एल यही कहीं दिया है 0.2 हेनरी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ओके, का स्क्वायर भी करना है प्लस आर का स्क्वायर, आर मीन्स 0.50 ओम स्क्वायर। ओके, दिस इज नाउ, अगर आप इतना देखते हैं तो अब आगे देखिए, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, जेड की। अब जेड ही तो हमको निकालना पड़ेगा, मैं मल्टीप्लिकेशन यहां नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लिकेशन पहले ही कर देता हूं इसीलिए, ठीक है ना। ये मल्टीप्लिकेशन 62.8 आएगा, इसको सबको सॉल्व करने पर 62.8 आएगा, सॉल्व करने पर इसको बेटा 62.8। आप एक चीज और देख लीजिए, मात्रक सेकंड कट जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर बराबर ओम होता है, तो ओम का स्क्वायर और ये भी ओम का स्क्वायर बाहर निकालेंगे, रूट से क्या हो जाएगा ओम, प्रतिबाधा आ गई। जेट यहीं पर उठा करके रख दीजिए, V इज इक्वल टू आई बराबर कितना है बेटा 2 एम्पियर मल्टी ये 62.8 कितना है 8 ओम है। अगर आप V को ध्यान से देखेंगे तो आपका आ जाएगा 125.6 वोल्ट।
चूंकि I इंटू आर बराबर V होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर कितना 27। ठीक है, देखिए जब किसी कुंडली को 120 वोल्ट के दिष्ट धारा स्रोत से जोड़ा गया है, 120 वोल्ट के डीसी धारा स्रोत से, फिर कह रहा है उसमें 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, मतलब करंट भी डीसी ही है 0.40 एम्पियर। ठीक है, वो भी किसी कुंडली को, किसी कुंडली को बेटा ये डीसी सोर्स से जोड़ा गया है, डीसी सोर्स से। ठीक है, चलिए बेहतर है। कह रहा है कि जब 120 प्रभावी वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, तो 120 प्रभावी वोल्ट, तो प्रभावी वोल्ट का मतलब होता है VRMS। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा 0.24 प्रभावी एम्पियर है, यानी IRMS है बेटा 0.24 एम्पियर। प्रभावी एम्पियर का मतलब वर्चुअल, वर्गमाध्यमूल, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हाँ, कुंडली का ओमीय प्रतिरोध, बहुत बेहतर सवाल है ये, कुंडली का ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध यानी आर पूछ रहा है। अब आप सोच लें, अगर ओमीय प्रतिरोध कुंडली का है कुछ, इसका ही अलग से प्रतिरोध नहीं जोड़ा गया है, इसी का ओमीय प्रतिरोध है, मैं चाहूंगा ये छोटा सा बना दूं जो इसी का है, ये इसी का है। ठीक है ना, कुंडली का ओमीय प्रतिरोध आपसे पूछ रखा है, निकाली दो इसी वक्त कुंडली का ओमीय प्रतिरोध। आर बराबर क्या होगा, वी अपान क्या आई, वी डी सी रख दो, आई वी डी सी रख दो, चलेगा, निकल जाएगा। वी डी सी 120 वोल्ट बटे आई डी सी कितना है बेटा 0.40 एम्पियर। बहुत सिंपल है, दशमलव हटाओ, दो जीरो बढ़ा दो, एक जीरो से जीरो काट दो, चार से काट दो, 300 आएगा, यानी कि आर आ गया बेटा 300 वोल्ट प्रति ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर क्या होता है, ओम। आ गया आराम से, बहुत आसानी से आ गया। आगे क्या कह रहा है, कुंडली का ओमीय प्रतिरोध प्रतिबाधा कह रहा है, कुंडली की क्या कह रहा है बेटा, प्रतिबाधा ज्ञात करने को। तो सबको पता है प्रतिबाधा कितनी आसानी से निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। कब निकल जाएगा, बहुत आसानी से, अगर हमको क्या पता हो बेटा, यहीं से निकल जाएगा, जेड बराबर वी आर एम एस अपान आई आर एम एस। देखो वी आर एम एस कितना है बेटा 120 वोल्ट, आई आर एम एस कितना है 0.24 एम्पियर, इसी से निकल जाएगा प्रतिबाधा। ठीक है, दशमलव हटाइए, दो जीरो बढ़ा दीजिए, अब जेड इज इक्वल टू 12 दुनाई 24 500 आएगा बेटा, 500 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर क्या होता है, ओम। इतना उधारिए तब तलक। अब देखिए प्रश्न में आगे प्रेरण प्रतिघात कह रहा है, तो एक्सएल बराबर आपसे कह रहा है निकालिए, हमको पता है जेड बराबर जेड स्क्वायर बराबर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना कह रहा है। जेड बराबर आपका कितना आया था अभी, अभी जेड बराबर हम लोगों ने निकाला है, मुझे जहां तक लगता है हम लोगों का जेड आया था कितना 500 आया था, निकाला था जेड, पता नहीं अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम लोगों ने निकाला है, 500 ही आया है। आइए तो 500 का स्क्वायर एक्सएल निकालना है, आर 400 का स्क्वायर, या शायद 300 आया होगा, 300 स्क्वायर, तो ओम का स्क्वायर, यहां पर भी ओम स्क्वायर, एक्सएल बराबर आ जाएगा बेटा 400 ओम का स्क्वायर, तो एक्सएल बराबर 400 ओम आ जाएगा बेटा, ये आ गया। फिर कह रहा है यदि स्रोत की आवृत्ति 50 साइकिल प्रति सेकंड हो, 50 साइकिल प्रति सेकंड, तो कह रहा है प्रेरकत्व भी बताना है आपको, प्रेरकत्व कितना होगा, हे भगवान क्या क्या चाहता है प्रेरकत्व, एल बराबर बताना है प्रेरकत्व, एल बराबर एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, तो एल बराबर एक्सएल अपान क्या बेटा ओमेगा, एल बराबर एक्सएल की वैल्यू रख दो भाई 400 ओम, भाई क्या किया जाए, जो जो पूछेगा बताना ही पड़ेगा, 2 भाई ओमेगा 2 पाई 22 बटे कितना 7,
एफ बराबर, यहीं कहीं आवृत्ति दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है आवृत्ति भाई, 50 दिया हुआ है, 50 पर सेकंड, 50 पर क्या सेकंड, 2 पाई क्या हो गया, एफ हो गया। तो ओम प्रति सेकंड, ओम प्रति सेकंड, इससे क्या निकल कर आएगा, हेनरी का मात्रक तो कुछ और ही होता है, देखा जाएगा क्या किया जाएगा, 2 पाई एफ। आइए देख लीजिए, ये आ गया बेटा, L इज इक्वल टू, जो यहां से आ जाएगा आप डिवाइड करेंगे 1.27, मैं नहीं डिवाइड करूंगा, मात्रक सेट कर देना, ओम बराबर, ओम बराबर वोल्ट पर एम्पियर, और सेकंड कहां चला गया, ऊपर, यही मात्रक किसका है बेटा, हेनरी का है। फिर प्रश्न में आगे देखिए, फिर प्रश्न में कह रहा है वोल्टेज तथा धारा में कितना कलांतर है, वोल्टेज और धारा में कितना क्या है, कलांतर है, बहुत सीधी सी बात है, फाई बराबर टेन फाई, सबको पता है ये चीज, ये कलांतर आपको निकालना है, टेन फाई बराबर, सबको ये चीजें पता है, एक्सएल अपान क्या होगा, एक्सएल अपान होता है क्या आर, तो एक्सएल बराबर 400, आर बराबर दिया होगा ये कहीं 300, ये हो गया, कट जाएगा, फाई बराबर टेन इनवर्स 4/3, ये हो गया, कोई दिक्कत इतने में, आ गया आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कितना बेटा 28, देखिए 28 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ति धारा, 220 वोल्ट IRMS और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई, 100 ओम के प्रतिरोध तार में धारा भेज रही है, 100 ओम के प्रतिरोध तार में क्या भेज रही है, धारा, प्रतिरोध तार के श्रेणी क्रम में कितने प्रेरकत्व की चोक कुंडली संयोजित करें, कितने प्रेरकत्व की चोक कुंडली क्या करें बेटा, संयोजित करें, कितने प्रेरकत्व की चोक कुंडली संयोजित करें, एक्सेल एल वाट शुड बी, कितने प्रेरकत्व की चोक कुंडली क्या करें, संयोजित करें, जिससे धारा की माप पूर्व से आधी रह जाए, चोक कुंडली लगाने के बाद की जो धारा है, चोक कुंडली लगाने के बाद की जो धारा है वो पहले के धारा की क्या रह जाए, आधी रह जाए, बहुत मस्त सवाल है, चोक कुंडली लगाने के बाद की जो धारा है वो पहले के धारा की क्या रह जाए, आधी रह जाए, ये सवाल है आपका, ठीक है ना, यानी पूछ रहा है कि आई डैश आई बाई कितना हो जाए, 2 हो जाए, नई धारा जो है पहले की धारा की आधी हो जाए, ठीक है, तो जो नई धारा बनेगी बेटा चोक कुंडली लगाने के बाद, वो जो नई धारा बनेगी चोक कुंडली लगाने के बाद, नई धारा जो बनेगी, आप सोच लीजिए नई धारा जो बनेगी वो वी अपान क्या होगी, जड़ होगी, और पुरानी धारा क्या होगी, पुरानी धारा वी अपान क्या होगी, आर होगी, ये पुरानी धारा है और इसका आधा करना है, प्रेरकत्व तो लगाने के बाद जो धारा है वो पुरानी धारा की आधी होगी, तो नई धारा जो होगी वो वी अपान जेड होगी, क्योंकि प्रेरकत्व तो जब लगा दिया है आपने, जब आपने प्रेरकत्व तो लगा दिया तो प्रतिरोध और प्लस प्रेरकत्व तो का प्रतिरोध यानी जेड होगा, और पहले सिर्फ प्रतिरोध था तो वी अपान कितनी थी, आर थी, वी वी क्या हो गई, कट गई, जेड बराबर क्या बचा आपका, 2R आ गया यहां से, यानी अब आपका जेड कितना हो गया, 2R हो गया, लेकिन आपको निकालना क्या है, एल निकालना है, यल मिलेगा कहां, यल मिलेगा एक्सल के पेट में, ठीक है ना, आइए आपको पता है जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सल स्क्वायर, एक्सल बराबर बेटा यहां से आ जाएगा 3R आ जाएगा, एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा, √3R आ जाएगा, क्या बराबर, एक्सएल बराबर, तो निकाल लेते हैं √3R, एक्सएल बराबर √3, आर बराबर कितना है बेटा 100 ओम, ये आ गया किसकी वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू आ गई है, अगर ये एक्सएल की वैल्यू आ गई, एक्सएल की वैल्यू आ गई ना, तो अब हमको निकालना क्या था बेटा इसमें, एल की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगा, कॉपी करिए इसको, किसी देखिए बेटा एक्सएल बराबर आया √3 × 100 ओम, एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है,
रूट तीन गुणे सौ ओम, एल बराबर होता है रूट तीन गुणे सौ ओम बटे ओमेगा, एल बराबर, आई एम सॉरी बेटा एल बराबर है रूट तीन गुणे सौ ओम और ओमेगा बराबर दो पाई, मतलब 22 बटे कितना सात, और एफ बराबर बेटा इसमें दिया था कितना हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, यही तो 50 हर्ट्ज का मतलब 1 बाई क्या सेकंड। आप एल बराबर यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप आराम से पा जाएंगे बेटा 0.55। कैलकुलेशन जब आप करेंगे, कैलकुलेशन मेरा काम नहीं है, मैं मात्रक बता दे रहा हूं। ओम का मतलब होता है वोल्ट पर एम्पियर, सेकंड चला जाएगा बेटा ऊपर, एल बराबर 0.55, ये क्या बेटा हेनरी। इट्स ओके, कंप्लीट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 29 नंबर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30 बेटा। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 30? एक लैंप, यही नहीं सॉरी 29 नंबर है बेटा, यहां देखें, एक प्रेरक L के सिरों पर जिसका प्रतिरोध 1 ओम है, प्रेरक L के सिरों पर जिसका प्रतिरोध कई ओम है 1 ओम है, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर 200 साइन 377 टी वोल्ट लगा है, प्रेरक में शिखर धारा आई नॉट 10 एम्पियर है, L का क्या ज्ञात करिए, मान ज्ञात करिए। देखिए सवाल पर दिमाग लगाइए, छापने की बुद्धि मत लगाइए, सिंपली है क्या इसमें, L निकालना है आपको, और L मिलेगा किसके पेट में, एक्सल के पेट में, एक्सल बराबर ओमेगा इंटू क्या मिलेगा, L मिलेगा, ओमेगा बराबर आपको दिख रखा है कितना 377 टी, तो एक्सल बराबर 377 प्रति क्या सेकंड, और मल्टी क्या बेटा L, आपको L चाहिए, एक्सल आपको क्या नहीं है पता नहीं है, तो बड़ी आपके पास दिक्कत है। तो L बराबर, लेकिन हमको पता है एक्सेल मिल जाएगा तो L भी मिल जाएगा, तो एक्सेल भी मिल जाएगा, बहुत आसानी से एक्सेल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, सबसे पहले हमको पता है जेड मिल जाए, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर होता है अंडर रूट एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर आपको दे रखा है बेटा, कहीं दे रखा है आर बराबर आपको, ये दे रखा है एक ओम, जेड बराबर क्या होता है वी नॉट अपान क्या बेटा आई नॉट अंडर रूट एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वी नॉट ये है वी नॉट 200, आई नॉट कितना बेटे 10 है ना, अंडर रूट एक्सेल स्क्वायर यही निकालना है आपको, आर स्क्वायर एक ओम का स्क्वायर काट, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, 400 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर ओम होता है, ओम का स्क्वायर इधर ले आइए, दोनों साइड का स्क्वायर किए, अंडर रूट हट गया इधर, एक्सेल स्क्वायर प्लस एक ओम का स्क्वायर इधर ले आइए बेटा, एक्सेल स्क्वायर बराबर कितना होता है 300 ओम का क्या बेटा स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपली आई एम सॉरी 399 ओम का स्क्वायर, एक्सेल बराबर दुनिया जानती है क्या होता है ओमेगा एल का क्या बेटा हो, एक्सेल ओमेगा एल का क्या होल स्क्वायर, अगर एक तरीके से देखा जाए ना तो 399 का वर्गमूल किया जा सकता है, 399 का क्या किया जा सकता है वर्गमूल किया जा सकता है, बहुत टफ नहीं पड़ेगा 399 का वर्गमूल करना। मैं यही कहूंगा कि आप एक्सेल हटाकर स्क्वायर रूट कर दें 399 ओम का स्क्वायर, आप यकीन मानिए कि ये लगभग कितना आएगा 20 ओम ही आएगा, लगभग ये कितना ही ओम आएगा 20 ओम, मैंने बेवजह मेहनत कर दी तो लगभग 20 ओम ही आएगा। अब एक काम करें, इस एक्सल को उठाएं और यहां क्या कर दें रख दें, किसको एक्सल बराबर 20 ओम, ठीक है ना, एक्सल बराबर 20 ओम 377 प्रति सेकंड और मल्टी एल, एल बराबर 20 बटे 377 ओम प्रति सेकंड, ओम और मल्टी इधर चला गया बेटा सेकंड, सॉरी सेकंड इधर चला गया, ठीक है, एल बराबर डिवाइड करेंगे तो आप यकीन मान लीजिए 0.053 आएगा, और ओम का मतलब वोल्ट पर एम्पियर और सेकंड, यहां से एल बराबर आ जाएगा बेटा आपका कितना 53 मिली हेनरी, यही आपका आंसर हो जाएगा, कॉपी कर लें। देखिए बेटा
प्रश्न नंबर तीस ध्यान दीजिए। एक लैंप 80 वोल्ट के डीसी से जोड़े जाने पर 10 एम्पियर की धारा लेता है। वीडीसी 80 वोल्ट, आईडीसी 10 एम्पियर, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है कि 100 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, श्रेणी क्रम में कितने प्रेरकत्व की कुंडली डालनी होगी? श्रेणी क्रम में कितने प्रेरकत्व की क्या डालनी होगी? कुंडली, लैंप है उसके श्रेणी क्रम में कितने प्रेरकत्व की क्या डालनी होगी? कुंडली डालनी होगी। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, यल तो भाई सीधी सीधी बात है किसके पेट में मिलेगा? एक्सेल के ही पेट में मिलेगा, जाहिर सी बात है। एल किसके पेट में मिलेगा? एक्सेल के ही पेट में मिलेगा। अब आपको खेला बड़ा करना पड़ेगा कि कैसे निकाला जाए, किसको बेटा? एक्सेल को कैसे निकाला जाए। तो अब आपको सारा खेला यहीं से करना और यहीं से पूरी मेहनत करनी है। आइए चलिए निकालते हैं किसको? एक्सेल को। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, हम ये जानते हैं कि बड़ी आसानी से हमको मिल सकता है एक्सेल। कैसे? जेड स्क्वायर बराबर होता है क्या, या जेड बराबर होता है अंडर रूट एक्सेल स्क्वायर प्लस क्या बेटा, आर स्क्वायर। यहां से देख लीजिए, आगे देखिए। अब उसमें सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए क्या फंसेगी कि हमें क्या भी नहीं पता है, आर भी नहीं पता है। कोई बात नहीं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट मान लो इसको, ठीक है। किसको पता करने के लिए? आर पता करने के लिए। फिर जेड कैसे पता करेंगे? देखा जाएगा। आइए थोड़ा आगे ही बढ़ जाइए, तभी करेंगे काम। तो जेड बराबर हम कह सकते हैं वी आर एम एस अपान क्या, आई आर एम एस, ठीक, बराबर एक्सेल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। आर ही नहीं पता है, बड़ी दिक्कत हमारे पास ये है, हम लोग को क्या नहीं पता है, आर ही नहीं पता है, ठीक है। तो निकल जाएगा आर आपका, कैसे निकल जाएगा? आइए देखिए, वी आर एम एस आई आर एम एस एक्सेल स्क्वायर आर स्क्वायर, ये है वी डी सी अपान आई डी सी का स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा वी आर एम एस अपान क्या बेटा, आई आर एम एस। बड़ी दिक्कत है, आई नहीं पता है अभी, एक्सेल स्क्वायर वी डी सी 80, आई डी सी 10, 80 को 10 से भाग करोगे 8 आएगा, और 8 अठाई कितना आएगा बेटा, 64 आएगा, 64, और वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर ओ, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब दिक्कत हमारे पास ये है कि हमें क्या नहीं पता है, आई आर एम एस नहीं पता। कोई बात नहीं, लैंप करंट उतना ही सह पाएगा, चाहे एसी लगाओ चाहे डीसी लगाओ। मैं आपको बता भी चुका हूं इस बात को, कब परिभाषा पढ़ाते समय प्रत्यावर्ती धारा में, कि वर्चुअल वैल्यू आईआरएमएस, मैंने आपसे कहा है ये चीज कि आईआरएमएस वही करंट है, वर्गमाध्य मूल धारा जो होती है ये वही धारा होती है कि उतनी ही शक्ति उत्पन्न हो जितना डीसी करंट से उत्पन्न हो। तो शक्ति के मामले में दोनों समान होते हैं, चाहे आईआरएमएस हो और चाहे आईडीसी हो, शक्ति के मामले में। आइए, तो वीआरएमएस मल्टी आईआरएमएस बराबर वीडीसी मल्टी आईडीसी, निकल जाएगा यहां से आईआरएमएस। कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, वीडीसी कितना है, वीडीसी आपको दिया है 80 वोल्ट, आईडीसी कितना दिया है बेटा 10 एम्पियर बटे, और वी आई आर एम एस निकालना, वी आर एम एस नीचे लेके जाओ, वी आर एम एस कितना दिया है 100 दिया हुआ है, काट दीजिए 8 कितना आ गया बेटा, क्या कटा, ये वोल्ट है, ये वोल्ट वोल्ट कट गया, एम्पियर बच गया, ठीक है ना। कुल मिलाकर कितना आ गया 8 एम्पियर, आई आर एम एस आ तो गया, कितना एम्पियर 8 एम्पियर आ गया, क्या चीज बेटा आई आर एम एस। अब इस आई आर एम एस जब मिल गया आपको तो यहां रखिए, इसमें फ्रॉम फर्स्ट में वी आर एम एस कितना है 100 वोल्ट, आई आर एम एस आप निकाल लाए, कहां आया बेटा 8 एम्पियर, अंडर रूट एक्सेल स्क्वायर प्लस ये 64 ओम का स्क्वायर, 2 4 2 8 और 25 चौको सौ आ गया, 25 बट्टे 2 क्या बेटा ओम,
एक काम करो, इधर का भी स्क्वायर करो, इधर का स्क्वायर को रूट हट जाएगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस 64 ओम का क्या बेटा स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर बराबर उधर ले जाओ स्क्वायर करो 625 बटे 4 ओम स्क्वायर माइनस 64 ओम का स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर बराबर बेटा 64 चौक को 256 माइनस प्लस 625 ओम का क्या बेटा स्क्वायर, और बटे कितना आएगा 4 आएगा, एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर बराबर बेटा कितना आएगा, ये घटा दीजिए, ये 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9 और यहां कितना बचा 11 में से 5 गया कितना 6, ठीक है, और यहां बेटा 5 में 2 गया 3, 369 और बटे कितना आएगा बेटा 4 आएगा, और ये ओम का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। एक काम करो एक्सएल स्क्वायर बराबर 4 9 36 और 4 2 9 8, 4 2 9 8, 4 5 20 ओम का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, ये एक्सेल का क्या है स्क्वायर। इतना कॉपी करे डिलीट करो फिर आगे बताऊं। देखें अभी हमारा एक्सेल कितना आया बेटा, वहां पर हम लोग का एक्सेल कितना आया, अभी एक्सेल हम लोग का कितना आया वहां पर, देखिए एक्सेल मुझे भूल गया कितना आया था, ये एक्सेल बराबर कितना आया था हमको भूल गया, दिमाग में नहीं है मेरे, 92.25 आया था एक्सेल बराबर, जहां तक यही है एक्सेल बराबर 92.2 कितना आया था 5 आया था, आप कंफर्म है ना एक्सेल बराबर इतना ही आया था, एक्सेल स्क्वायर इज इक्वल टू 92.25, आप देख लीजिए। तो यहां से अगर निकाला जाए ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर 92.25, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 92.25 ओम स्क्वायर, ओम स्क्वायर, ओम स्क्वायर, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये ओमेगा स्क्वायर नीचे आ जाएगा 92.25 ओम स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर मीन्स व्हाट शुड बी, आप इसको कर दीजिए 2πf का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर 92.25 ओम स्क्वायर 2π 3.14 f इज इक्वल टू, f दिया रहा होगा बेटा कितना 50 हर्ट्स के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, कितने हर्ट्स के 50 हर्ट्स के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, 50 प्रति क्या सेकंड, ठीक है। अब इस पूरे का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, अब देखिए यहां पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 92.25 2 इंटू 3.14 मल्टी 50 इतना रख दिया मैंने, अब मात्रक मैं सेट कर दे रहा हूं ओम स्क्वायर और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा सेकंड स्क्वायर और इतने पूरे का क्या स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ इतना पूरा उतारो ओम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ओम सेकंड स्क्वायर बाहर आ जाएगा सेकंड, और एल बराबर यहां से आपका ये डेफिनेटली इतना ही आ जाएगा 0.02 ओम का मतलब वोल्ट सेकंड पर क्या एम्पियर बेटा, एल बराबर 0.02 हेनरी। अब मैं कहिए कैलकुलेशन करूं तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं कैलकुलेशन करूं, कॉन्सेप्ट दे दिया बैठिए खूब कैलकुलेशन करिए मोबाइल लेकर, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31st नंबर क्वेश्चन, 10 वोल्ट 2 वाट के बल्ब को, के बल्ब को ये डीसी के लिए है, ये बल्ब की क्षमता दी हुई है, ये अबाउट बल्ब है, ये बल्ब के बारे में दिया हुआ है, जो बल्ब के ऊपर रेटिंग रहती है बेटा 10 वोल्ट 2 वाट बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखी रहती है वही है ये, ठीक है। कह रहा है 100 वोल्ट 40 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा, तो VRMS 100 वोल्ट और 40 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, ठीक है, जलाइएगा बल्ब के श्रेणी क्रम में जोड़े जाने हेतु आवश्यक चोक कुंडली के प्रेरकत्व के, बल्ब के श्रेणी क्रम में जोड़े जाने हेतु आवश्यक चोक कुंडली के, चोक कुंडली के, ठीक है ना,
प्रेरकत्व की गणना कीजिए एल की। आपको क्या लगता है बहुत टफ है? कुछ नहीं टफ ऑफ है, हम सिर्फ इतना जानते हैं अगर एक्सएल निकल जाए तो एल निकलने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्सएल निकाल लूंगा कैसे, जेड बराबर अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस क्या बेटा आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब बड़ी मुसीबत की बात है, जेड कैसे निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, वी आर एम एस अपान क्या आई आर एम एस ऐसे निकलेगा। एक्सएल स्क्वायर कहां गया, एक्सएल नहीं दिया है, छोड़ो आर स्क्वायर कहां गया, क्यों नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा। सबको पता है पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपान आर, तो आर बराबर भी होता है वी स्क्वायर अपान क्या पी, रख दीजिए वी स्क्वायर दद्दाम कितना 100, रख दीजिए पी कितना 2 वाट, काट दीजिए 50 आएगा ओम में, फिट कर दीजिए 50 क्या बेटा ओम, यही ना स्क्वायर लगा दूंगा। वी आर एम एस क्यों नहीं, पी बराबर वी इंटू क्या होता है आई, निकालूंगा यहीं से निकालूंगा, हमको करंट उतना ही चाहिए, बल्ब सह ही पाएगा कितना, जो भी यहां से आएगा उतने बल्ब सह पाएगा, यहां से जो करंट आएगा बल्ब उतना ही सह पाएगा और उतना ही फिर आई आर एम एस भी होना चाहिए, रख दीजिए आई बराबर पी अपान क्या बेटा वी, तो पी 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 कितना है पी पी 2 है और वी कितना है यही कहीं दिया होगा 10, तो आई बराबर 10.2 क्या एम्पियर आ गया ना बेटा, 10.2 कितना एम्पियर 2 एम्पियर आ गया, रखो साले को। वी आर एम एस कितना है, वी आर एम एस 100 वोल्ट 0.2 एम्पियर, भाई जितना आएगा उतने तो रखूंगा ना बेटा। एक्सएल स्क्वायर प्लस 50 ओम का क्या स्क्वायर, ये हो गया, हटा दीजिए 0 बढ़ा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 500 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर क्या ओम बराबर अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर, ये क्या किया है मैंने, प्लस 50 ओम का स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दीजिए। क्या करें भाई, जितना रहेगा उतना करेंगे, एक्सएल स्क्वायर 2500 ओम का स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर बराबर 25000 में से घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए 2500 घटा दीजिए 25000 में से 2500, अभी मुझे घटाना नहीं आ रहा, अपना घटा दीजिएगा, आइए देखिए यहीं पर चाहे घटा लिया जाए, यहीं पर घटा लिया जाए 25000 250000 में से कितना 2500 घटाइए, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया कितना बचा 7, ठीक है, और 247500, ठीक है बेटा, ये ओम का क्या स्क्वायर, ओम का स्क्वायर, ठीक, ये इतना आ गया हमारा किसका बराबर, एक्सेल का स्क्वायर आ गया। अब यहां से एक्सेल बराबर इसका रूट लगा दो 247500 और ये ओम आ जाएगा, जब आप एक्सेल को सॉल्व करोगे बेटा, एक्सेल को जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 497.49 ओम, एक्सएल आ जाएगा, एक्सएल बराबर ओमेगा एल 497.49 ओम, एल इज इक्वल टू 497.49 ओम। अब देख ले ओमेगा नीचे आएगा 2 पाई का मतलब 22/7 और एफ बराबर दिया था 40 हर्ट्स, तो 40 हर्ट्स मतलब बाई क्या सेकंड, एल बराबर 1.98, जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेशन आपका काम है, सेकंड ऊपर जाएगा अपान कितना आ जाएगा ओम आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये सवाल हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर कितना 31, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 32 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 32 आइए दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या चीज है देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 32 यहाँ संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक प्रतिरोधहीन चोक कुंडली L, भैया पता नहीं क्या है मैं बना ही दूं सीधे A, समझ नहीं आ रहा जो मुझसे पढ़ रहा है,
ये दिया हुआ है आर 120 वोल्ट आई बराबर 1 एम्पीयर। अब देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, कह रहा है एक संलग्न चित्र में ठीक है प्रतिरोधहीन कुंडली प्रतिरोधहीन है ठीक है और एक प्रतिरोधार लगाइए बगल से, ये प्रतिरोधार लगा हुआ है कुंडली है। कह रहा है प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर 120 वोल्ट ये लगा रहे हैं दो, आरोपित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट ये भी दिख रहा है ठीक है। कह रहा है आवासी धारा 1 एम्पियर IRMS है बेटा, ये IRMS ये 200 वोल्ट ये IRMS है याद रखिएगा IRMS ठीक। कुंडली के सिरों का आभासी विभवांतर, भैया कुंडली के सिरों का आभासी विभवांतर वी कुंडली भैया आई एक्सेल चाहिए होगा हमको, तो आई तो पता है लेकिन क्या नहीं पता है एक्सेल नहीं पता है और ये वी आर एम एस ही दिया है। अब क्या करें बड़ी दिक्कत आ रही, तो कुंडली के सिरों का आभासी विभवांतर तो तभी मिलेगा जब एक्सेल पता होगा और एक्सेल तुम्हें पता नहीं है, गाड़ी रुक गई अब क्या करें। आइए परिपथ की सकल प्रतिबाधा ये हमको पता है बेटा, सकल प्रतिबाधा पता है आप जेड बराबर वी आर एम एस अपान क्या होता है आई आर एम एस और वी आर एम एस आई आर एम एस वोल्ट प्रति एम्पियर सकल प्रतिबाधा जेड बराबर वी आर एम एस अपान आई आर एम एस ये सकल प्रतिबाधा है भाई क्या करें। अब जब जेड आ गई चलिए सकल प्रतिबाधा तो निकल गया, कुंडली का प्रतिरोध ये भी बताना है, कुंडली का क्या बेटा प्रतिरोध भी बताना है, तो अब देखा जाएगा कुंडली का प्रतिरोध प्रतिरोध तो एक एक करके निकालते हैं। पहले कुंडली का प्रतिरोध मतलब प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात आइए देखिए अब निकाला जाए धीरे धीरे। हमको पहले क्या निकाल लेना चाहिए, कुंडली के सिरों का आभासी विभवांतर एक्सल तब मिलेगा तभी आई इंटू एक्सल, तो जेड मिल ही गया है। आइए समय वेस्ट करने क्या मतलब है, जेड बराबर इसका स्क्वायर करोगे बेटा आर स्क्वायर, कमाल है आर आर नहीं निकाल, चलिए ठीक है अभी दिखा देता हूं आर स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे, 120 वोल्ट दिया है ना, आर बराबर क्या होता है वी अपान आई, आर बराबर क्या होता है कितना सिंपल है वी अपान आई, लो भाई वी अपान आई ठीक है यही तो होता है, आर बराबर क्या होता है वी अपान आई, 120 वोल्ट दिया है बेटा 120 वोल्ट आई कितना 1 एम्पियर डिवाइड कर दो 120 ओम ही तो आएगा, स्क्वायर करोगे इतना आ जाएगा। अब बस दिमाग नहीं खराब करिए एक्सेल स्क्वायर, इसमें से इसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए ठीक है तो आएगा 256 इतना आ जाएगा और ओम का स्क्वायर, यहां से एक्सेल निकाल लेंगे 160 ओम आ जाएगा, एक्सेल आ गया ना बेटा कितना ओम 160 ओम। और अब क्या बचा, अब तो बड़ी आसानी से वीएल निकल जाएगा आई इंटू एक्सेल, आई इंटू एक्सेल आई कितना है बेटा 1 एम्पियर, एक्सेल कितना आया 160 ओम, यानी वीएल कितना आ जाएगा 160 क्या ओम आई एम सॉरी वोल्ट आ गया ना 100 कितना 60 वोल्ट। अब पूछा क्या है, क्या पूछा है ये भी तो जितनी चीजें पूछी सब आ गई, एक्सेल क्या है एक्सेल कुंडली का प्रतिरोध है 160 ओम, एक्सेल कुंडली का क्या है प्रतिरोध है आ तो गया, और क्या पूछी गई है भाई 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 कुंडली का प्रतिरोध आ गया प्रतिबाधा आ गई सकल प्रतिबाधा पूछा है वो भी तो आ गया, तो क्या नहीं आया सब तो आ गया, कॉपी कर लीजिए तैतीस नंबर देखिए सवाल, कह रहा है एक प्रतिरोधहीन चोक कुंडली तथा एक ओमीय प्रतिरोध श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़े गए हैं
ठीक है, जोड़ दिया गया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, लो जोड़ दिया। क्या कह रहा है आगे देखिए, सिरों के बीच उपलब्ध विभवांतर 150 वोल्ट 200 वोल्ट। परिपथ में आभासी धारा 1 एम्पियर, आभासी धारा मतलब IRMS। पर कितनी प्रतिबाधा है जेड बताना है भाई, और जेड बराबर सबको ही जानता है एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहां पता है आपको एक्सएल और आर? कोई बात नहीं, पता लग जाएगा एक्सएल बराबर क्या होता है, ठीक है ना। अब बहुत सिंपली है, नहीं निकाल पाएंगे एक्सएल, वी अपान क्या आई, तो वी आर एम एस, आई आर एम एस। वी आर एम एस कितना है 150 वोल्ट, आई आर एम एस कितना है 1 एम्पियर, बराबर 150 ओम आएगा। इसी प्रकार R बराबर कितना आ जाएगा, 200 ही आएगा। कितना आएगा बेटा, 200 ही आएगा, 150 33 नंबर यही तो है, है तो 200 वोल्ट 1 एम्पियर, तो 200 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर क्या होता है ओम। आर आ गया, एक्सएल आ गया, रख दो भाई और जड़े निकाल लो तुरंत भैया। जेड एक्सएल का स्क्वायर 15 एम कितना होता है, ठीक है 22,500 ओम का स्क्वायर, 40,000 का स्क्वायर ऐड कर देंगे ना बेटा, 6 ओम का स्क्वायर, जेड बराबर ये आ जाएगा 250 ओम, जेड आ गया 34 नंबर। संलग्न चित्र, एक चित्र दिया भाई, बना दे रहे हैं चित्र। एडिट करने का समय नहीं अभी मेरे पास कि मैं वीडियो एडिट करूं, ₹240 वोल्ट 100 वोल्ट, ठीक। प्रश्न क्या है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है बेटा इसमें, ऐसा प्रोवाइडेड है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता, क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता क्या चीज होगी, तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता अगर पूछ रखा है तो अब करंट दिया है ये, निकालना पड़ेगा भाई, वी स्क्वायर बराबर अंडर रूट वी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, निकालना तो पड़ेगा। फाइव सेवन सिक्स डबल जीरो वोल्ट स्क्वायर प्लस, प्लीज बेटा 1234 वोल्ट स्क्वायर, व्हाट शुड बी, देयर इज समथिंग फॉल्ट आई थिंक, 24 व्हाट इज द फॉल्ट, लेट्स सी, यू नो व्हाट इज फॉल्ट, एक्चुअली वेरी सिंपल वे से निकल जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता है इसकी, आई भी हुई है ना आपको, बहुत आसानी से निकल जाएगा, बताएं कैसे, ऐसे V इज इक्वल टू आई इन टू जेड, बट वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ जेड। अब जेड निकाल लेते हैं पहले, तो जेड के लिए कैसे निकलेगा, जेड एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सेकेंड एक्सएल और क्या नहीं पता है, आर नहीं पता है, एक्सएल निकल जाएगा, एक्सएल वी एल अपान आई, वी एल 240 वोल्ट, आई 2 एम्पियर बेटा,
120 वोल्ट, आई एम सॉरी ओ। ऐसे ही आर निकाल रहे हैं, 100 वोल्ट अपॉन आई 2 एम्पियर 50 ओ। अब निकाल दें जेट, यू नो बेटा 12 का स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर आ जाएगा 130 ओम का स्क्वायर, जेड इज इक्वल टू 130 ओम। अब मुझे नहीं लगता आप नहीं निकाल पाएंगे, जेड यही निकाल दें, आई 2 एम्पियर जेड 130 ओम, वी 260 एम्पियर इंटू ओम बराबर वोल्ट। वी आ गया बेटा, आ गया ना वी, कॉपी करें। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 35, मार्कर इज स्लीपिंग नाउ, मार्कर इज स्लीपिंग नाउ ओवर मार्कर। देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 35, पहले तो परिपथ बना लें, ये दिया हुआ है, अब देखें कह रहा है कि क्या क्या ज्ञात करना है, प्रेरक एल का प्रतिघात एक्सएल, ये फिर क्या कह रहा है, संपूर्ण परिपथ की प्रतिबाधा, ये फिर क्या कह रहा है, परिपथ में धारा का शिखर मान, फिर क्या कह रहा है, लगाई गई वोल्टता तथा परिपथ में धारा के बीच कलांतर। एक एक करके निकालो भैया, सिंपली एक्सएल बराबर क्या होगा, ओमेगा एल, ओमेगा क्या दिया है, ये प्रति सेकंड होता है मात्र, एल बराबर कितना है 0.1 हेनरी, सत्य भाषा में देखें तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ठीक है ना। अब पलटी कर देंगे, 100 ओम हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर बराबर ओम। फिर कह रहा है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्सएल स्क्वायर, एक्सएल है कितना 100, आर 100 2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 100 2 गुणे 100 का स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितनी बार 100 का स्क्वायर हुआ, 2 बार 100 का स्क्वायर हुआ, आ जाएगा रूट 2 मल्टी 100 ओ। फिर क्या निकालना है, क्या निकालना है, आई नॉट हद है, आई नॉट बराबर वी नॉट अपान जेड, वी नॉट आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन जेड, और वी नॉट कितना दिया है 10, जेड कितना है 100 रूट 2, और वी नॉट वोल्ट, आई नॉट बराबर आ जाएगा बेटा 1/10 रूट 2 ओम, 0.07 सॉरी वोल्ट प्रति ओम बराबर एम्पियर होता है, आई नॉट हो गया। फिर क्या कह रहा है, कलांतर, कलांतर, कलांतर बहुत सिंपल है, कलांतर निकालना कितना इजी है, क्या बताएं, बहुत इजी है, टेन फाई एक्सएल अपान आर होना तो यही चाहिए, अब एक्सएल बराबर क्या दिया है पता नहीं,
एक्सएल बराबर कहीं दिया होगा, एक्सएल बराबर 100, आर बराबर दिया ही होगा कहीं ना कहीं, 100 ओमी दिया है, खत्म। तो टेन फाइव, टेन 45 अंश, फाइव बराबर 45 अंश, सब निकाल ही दिया मैंने, करना क्या है आपको, कुछ करना ही नहीं सवाल में। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन भैया, बहुत सिंपल सा परिपथ दिया हुआ है, बहुत सामान्य परिपथ दिया हुआ है, गौर कीजिएगा। कितना 400 साइन 300 टी, कई नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर, ठीक तो है। आगे परिपथ में एक प्रेरकत्व लगा हुआ है, एक प्रतिरोध सेट है, प्रेरकत्व का मान 0.1 हेनरी है, प्रतिरोध का मान 40 ओम है, और उसके बाद प्रश्न ने पूछा है परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित क्या बेटा, धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा का कौन सा मान पूछ रखा है, अधिकतम मान पूछ रखा है। हम बहुत स्पष्ट जानते हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा का अधिकतम मान I नॉट बराबर V नॉट अपान क्या होगा, जेड होगा। I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपान क्या होगा, जेड होगा। अब प्रश्न नंबर एक, चूंकि हमको जेड नहीं पता है, अब जेड की मुसीबत इतनी बड़ी है कि एक्सएल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एक ही सवाल बार बार अत्याचार मचा दिया है। अब एक्सएल भी नहीं पता है, एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल, ओमेगा का मान कितना दिया है बेटा, ये देखिए 300 है हर्ट्ज प्रति सेकंड, अब एल की वैल्यू 0.1 हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर क्या बेटा, एम्पियर, सेकंड सेकंड कट जाएगा, एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 30 वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर क्या, ओम। अब एक्सएल मिल गया, आर मिल गया, क्या आप जेड नहीं निकाल पाएंगे, जेड तो और भी सिंपल है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। जहां तक मेरे हिसाब से जेड आ जाएगा आपका, अभी निकलवा देता हूं, एक्सएल आ गया है, उतार लीजिए। देखिए जेड निकाल दीजिए, जेड तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, रख दीजिए। एक्सएल कितना आया, 30 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900 ओम का स्क्वायर, आर 1600 ओम का स्क्वायर, कुल मिलाकर के जेड बराबर आ जाएगा 50 ओम। रख दीजिए समीकरण नंबर किस में, एक में, आई नॉट बराबर वी नॉट कितना दिया है, बहुत आसानी से देख लीजिए, वी नॉट यहां कितना दिया हुआ, 400 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, आया तो जेड आपका 50 ओम, ये वोल्ट है, 8 आ जाएगा, 8 एम्पियर। चलिए अधिकतम धारा आ गई, फिर क्या पूछ रखा है, वर्ग माध्य मूल मान, आई आर एम एस, आई नॉट अपान रूट टू, 8 एम्पियर अपान रूट टू, रूट टू ऊपर रूट टू नीचे, कुल मिलाकर आ जाएगा 4√2 एम्पियर। ये आ गया बेटा आई आर एम एस, और आई आर एम एस के बाद कलांतर पूछ रखा है, सबको पता है फार्मूला, टेन फाई एक्सएल अपान कितना आर, एक्सएल बराबर कितना है 30, और आर कितना है बेटा 40, यही तो होता है, एक्सएल अपान आर 30 अपान 40 ओम कट जाएगा, 0.77 मतलब पॉइंट कितना बेटा एट आ जाएगा, फाइव बराबर। अब जो भी आए 0.75 लिख दो, वही आएगा 4 7 28, 4 5 20, 10 इनवर्स करके कॉपी इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है, दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रतिबाधा जेट, अमीटर का पाठ्यांक
यानी आई आर एम एस, शक्ति गुणांक यानी कास फाई, शक्ति गुणांक, परिबाधा, ठीक है इतनी चीज। आप 37 नंबर वाला सवाल मेरी कॉपी में गायब है, कॉपी मतलब इसमें जिसमें क्वेश्चन मैंने सारा नोट किया, ये देखें, देखा, देखिए इसमें क्वेश्चन है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी कर देता हूं। ए ये फिगर बना है, पॉइंट वन हेनरी, 40 ओम अमीटर, स्रोत, बहुत हार्ड क्वेश्चन, बहुत हार्ड है। आइए देखिए क्या क्या पूछ रखा है, जो जो पूछ रखा है सब सब बताना है, लेकिन पूछ क्या क्या रखा है ये नहीं समझ में आ रहा है। जड़ जड़ कैसे बताया जाए, तो जड़ बताने के लिए ये बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, आइए देखिए, आपको ये ओमेगा दिया हुआ है बराबर 300 प्रति सेकंड, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, 300 प्रति सेकंड, एल बराबर 0.1 वोल्ट सेकंड पर क्या बेटा एम्पियर सेकंड, सेकंड कट जाएगा 30 और ये आ जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, मतलब ओम, एक्सएल आ गया बेटा। और 37 नंबर, यस यही तो है। और अब आप क्या निकाल दें, तो जड़ पूछा है तो जड़ बराबर क्या होता है, देखिए बहुत सिंपली बात है, आप कितनी बार देख चुके, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर, वही एक ही चीज, 50 ओम आएगा, एक्सएल बराबर रख दीजिएगा ये दिया हुआ है, आर बराबर रख दीजिएगा, फिर क्या पूछ रखा, कास फाई बता दें, नहीं बता पाएंगे कास फाई, हद कर दिए हैं, कास फाई, कास फाई क्या होता है, परिपथ ऐसे ही बनता है, वी एल आर, वी एल के बाद वी आर, ये आई बेटा, यहां देख लीजिए वी हो गया आपका ये, और वी कास फाई निकालना है, चलिए बाद में निकालते हैं इसको, कास फाई आधार बटे कर्ण, वी आर देख लिया और बटे वी टोटल वी, ठीक है वी आर बटे टोटल वी, तो अभी आपका वी आर तो मिला नहीं है, वो देखिए तो अभी निकाल देंगे इसको, छोड़ दो बाद में निकालते हैं, पहले और कुछ, आई आर एम एस निकाल लो पहले, आई आर एम एस, तो आई आर एम एस कैसे निकलेगा, तो आई आर एम एस निकलेगा टोटल वी और किससे, जेड से निकलेगा, तो टोटल वी कैसे निकाला जाए, यहां से निकल जाएगा, यहां से V नॉट, ये वी आर एम एस अपान कैसे निकलेगा, जेड से, और वी आर एम एस मतलब V नॉट अपान रूट टू मल्टी क्या है जेड, तो V नॉट अपान रूट टू, V नॉट की वैल्यू कितनी है, ये है बेटा V नॉट 200 वोल्ट अपान रूट टू और मल्टी जेड, जेड बराबर यहीं कहीं तो था अभी, 50 ओम काट दीजिए, 5 × 20 4 बटे रूट 2 बचा हुआ है, आई आर एम एस निकाल लीजिए बेटा, तो 4/√2 मल्टी √2 अपान √2 वोल्ट प्रति ओम बराबर एम्पियर आ जाएगा, 2√2 एम्पियर आ गया ना बेटा आई आर एम एस। अब क्या पूछ रखा था, कह रहा था कास फाई निकाल दीजिए, निकल जाएगा ये भी, कास फाई, कास फाई वी हमसे पूछ रखा है, तो अगर आपको वी आर बताना है रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पर, तो वी बराबर आई आर एम एस इंटू आर, ये हो गया वी आर ए होगा, और उसके बाद नीचे वी रखना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा था कि अगर यही कर दिया जाता, कास फाई बराबर लो आर बाई क्या जेड, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 40 हो और जेड की वैल्यू कितनी है, जेट जेट की वैल्यू 50 हो, फार्मूले सब याद करो, पॉइंट कितना 8 ओम आ गया,
0.8 ओम नहीं बेटा 0.8 आ तो गया, यही था कंप्लीट कॉपीट 37 नंबर। आए देखें 38 प्रत्यावर्ती परिपथ में 2 माइक्रोफैरेड धारिता सी बेटा 2 माइक्रोफैरेड कूलाम प्रति वोल्ट सी बराबर क्यू बाई वी धारिता 220 वोल्ट वी आर एम एस 220 वोल्ट और 50 हर्ट 50 प्रति सेकंड ओके। फिर क्या कह रहा है परिपथ में प्रतिघात, तो प्रतिघात xc बराबर 1 अपान ओमेगा c मतलब 1 अपान ओमेगा मतलब 2 पाई मतलब 3.14 f का मतलब कितना 50 प्रति सेकंड और मल्टी c c का मतलब 2×10⁻⁶ कूलाम प्रति वोल्ट बेटा वोल्ट कहां चला जाएगा ऊपर और इतना आ गया कूलाम देखा जाएगा अभी xc बराबर टू पाई एफ एफ मतलब प्रति सेकंड और सी बराबर क्यू बाई वी कूलाम प्रति वोल्ट और कैसे सेट किया जाए इसको चलिए देखा जाएगा। बहरहाल ये तो आएगा 1592.3 और अब देखा ही आएगा वोल्ट को ऊपर ले चलिए वोल्ट कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर हो जाएगा और मुझे लगता है ये आ जाएगा 1592.3 क्या बेटा वोल्ट प्रति एम्पियर मतलब ओम होता है एक्सी आ गया बेहतर है। उसके बाद धारा का मान अब धारा का मान पूछ रखा है निकालना पड़ेगा तो धारा का मान तभी निकलेगा जब जेड पता हो। अब धारा का मान का मतलब कैसे निकलेगा बेटा धारा का मान तो फिर आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपान एक्सी आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस की वैल्यू 220 वोल्ट एक्सी की वैल्यू 1592.3 ओम मुझे लगता है यही होगा धारा का मान यही होगा। फिर कह रहा है धारा तथा वोल्टेज में वोल्टेज तथा धारा के बीच कला संबंध वेरी सिंपल है शुद्ध संधारित्र वाले परिपथ में कलांतर 90 अंश और वो भी धारा वोल्टेज से अग्रगामी होती है ठीक है कंप्लीटेड ना हो बेटा 38 के बाद प्रश्न नंबर 41 देखिए 0.2 हेनरी प्रेरकत्व है बहुत अच्छी बात है L इज इक्वल टू 0.2 हेनरी 100 ओम की प्रतिरोध R इज इक्वल टू 100 ओम के श्रेणी क्रम में वोल्टता V बराबर 6 sin 500 t वोल्ट लगाई गई गणना कीजिए लगाई गई धारा तथा वोल्टता के बीच क्या कलांतर धारा तथा वोल्टता के बीच क्या बेटा कलांतर सबसे पहले कलांतर ही पूछ लिया तो ये बताना है आपको तो अब आप ये सुन लीजिए कि दोनों की कंडीशन में कलांतर बताना है तो ये बड़ा सिंपली निकल जाएगा बहुत ज़्यादा मेहनत तो इसमें नहीं करनी पड़ेगी। देखिए हम जहाँ तक जानते हैं टेन फाई बराबर एक्सएल अपान आर ओमेगा एल अपान आर ओमेगा दिया हुआ होगा सवाल में ये दिया है ओमेगा ये है ओमेगा 500 प्रति सेकंड मल्टी और एल बराबर भी दिया है 0.2 वोल्ट सेकंड एम्पियर सेकंड कट जाएगा ये आ जाएगा जहाँ तक 100 आ जाएगा और वोल्ट पर एम्पियर मतलब क्या होता है वोल्ट प्रति एम्पियर मतलब होता है ओम और अपान आर दिया है आर बराबर 100 दिया हुआ है ये लो 100 ओम कट जाएगा यानी एक आ गया और एक आने का मतलब कितना हो गया टेन फाई मतलब एक का मतलब 45 अंश कुल मिलाकर आएगा। फिर प्रश्न में आगे क्या पूछ रखा है ये देखिए शक्ति पूछ रखा है तो शक्ति बताता हूं जरा इसको डिलीट करने दीजिए
देखें शक्ति पूछा गया है, तो जहां तक मैं जानता हूं वीआरएमएस आईआरएमएस मल्टी कास फाई, तो वीआरएमएस वी नॉट अपान रूट टू, यही तो है बेटा वीआरएमएस, तो वी नॉट अपान क्या रूट टू, तो वी नॉट हमको पता है मिल जाएगा बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर कौन सा लगा रहा हूं, 39 लगा रहा हूं, ठीक है। आईआरएमएस, अब आईआरएमएस हमको नहीं पता लग सकता, तो आईआरएमएस वी नॉट या फिर लिख सकते हैं वी आर एम एस अपान क्या जेट, आई इज इक्वल टू वी अपान क्या होता है आर, वोल्ट प्रति, वी इज इक्वल टू आई इन टू आर, आई इज इक्वल टू वी अपान आर, ठीक है। तो वी आर एम एस अपान जेट और मल्टी कास क्या फाई, कास फाई का मतलब होता है, कास फाई का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आर अपान क्या आर अपान जेट, ये होगा कास फाई का मतलब। अब बड़ी मुसीबत ये v नॉट अपान रूट टू वी आर एम एस नहीं पता है, तो v नॉट अपान रूट टू मल्टी जेड, अब जेड 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 स्क्वायर r हो जाएगा, v नॉट का स्क्वायर अपान टू मल्टी जेड का स्क्वायर मल्टी क्या बेटा r। अब देख लें v नॉट की वैल्यू बात कर दें, तो v नॉट सवाल के अनुसार, सवाल में दिया है 6 sin 500 t, v बराबर दिया है 6 sin 500 t, तो v नॉट का मतलब 6 है ये, तो 6 मल्टी 6 अपान टू। अब r कितना दिया हुआ है, r अभी हम लोगों ने निकाला था बेटा, r अभी हम लोगों ने निकाला था कितना 100 निकाला था, 100, ये v नॉट तो वोल्ट का स्क्वायर, आर 100 निकाला था, तो 100 ओम, और अपान जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर अभी निकाला था हम लोगों ने, अभी एक्सेल बटे आर थोड़ी देर पहले किए थे, तो ऊपर भी 100 था नीचे भी 100 था, यानी जेड बराबर आ जाएगा कितना 100 रूट कितना 2 आ जाएगा ओम आ जाएगा, और ये स्क्वायर है जेड का तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है ना, चूँकि स्क्वायर था ना तो नीचे 100 बचेगा और 100 भी बचेगा, इस 100 से 100 का 100 बचा, आप भी रूट दो का स्क्वायर मल्टी कितना हो जाएगा 2, ये खत्म हो गया, ओम का स्क्वायर से 1 ओम से 1 ओम भी कट जाएगा, ठीक है ना, और कुल मिला करके ये बचा 2 और ये 6 36 था 18, तो ये 18 बचा, 18 और बटे नीचे बचा 100 गुणे कितना 2, तो 2 9 18, तो ये 9 हो गया और ये सब सब कट गया, अब बचा केवल कितना 9 बटे 100, और वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम का मतलब वाट होता है, हम लोग को पता होना चाहिए, पी बार बराबर आ जाएगा 0.09 क्या वाट, यही जहां तक आंसर होगा। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। आज टाइमिंग ज्यादा हो रही है, और अगर टाइमिंग ज्यादा हो रही है तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 1 घंटे से ऊपर रिकॉर्डिंग हो चुकी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ, एक परिपथ दिया हुआ है, मैं बना दूं, एक्स सी बराबर 30 ओम, 40 ओम, वोल्ट, कह रहा है कि प्रतिरोध के सिरों पर क्या बताना है, विभवांतर बताना है, किसके सिरों पर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बताना है। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रखा है संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, दोनों के सिरों पर विभवांतर। आइए फटाफट पहले निकालते हैं, पहले निकालते हैं जेड बेटा, जेड बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर, कुल मिलाकर के आएगा 50 ओम, ये आएगा 3 3 9 4 4 16 16 9 25 25 के 5 होता है, सब कोई बड़ी आसानी से निकाल सकता है, 50 ओम आएगा, और आई आर एम एस निकल जाएगा वी आर एम एस अपान जेड करके, वी आर एम एस 250 वोल्ट दिया हुआ है, जेड बराबर 50 ओम दिया हुआ है, निकाल देंगे बेटा कितना आ जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा, जब 5 एम्पियर क्या आ गया आई आर एम एस आ गया, तो अब निकाल दीजिए वी सी आई इंटू क्या एक्स सी, कुल मिलाकर आई 5 एम्पियर और एक्स सी बराबर 30 ओम, बराबर कितना आ जाएगा 150 वोल्ट, और आ जाएगा यहां से वी आर आई इंटू आर, आई बराबर 5 एम्पियर और आर बराबर कितना बेटा 40 ओम, कुल मिलाकर आ जाएगा 5 4 20 200 वोल्ट,
कंप्लीट हो गया 40 क्वेश्चन। अब हम लोग चर्चा करेंगे कब, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कल, और कल हम आपको इसके आगे न्यूमेरिकल देंगे। आज 40 ही न्यूमेरिकल हो पाए हैं, चूंकि इस न्यूमेरिकल लंबे थे, बड़े थे, टाइम टेकिंग थे। और अगली बात आपसे ये करनी है, क्वेश्चन कैसे आपको मिलेगा, इस पर हम आपसे बहुत जल्द चर्चा करेंगे। कोई एक ऐप ऐसा डाउनलोड करेंगे जिससे आप सबको क्वेश्चन दे सकें, आप सब हमारे साथ क्वेश्चन से भी जुड़ जाइए। ओके, लेट्स मीट टुमारो, गुड नाइट।